पे कंट्रोल करने के लिए हम सब लोगों को जो भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं पूरे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उसके लिए दिल्ली के लेवल पे एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के लेवल पे, और उसमें सभी एजेंसीज उसकी मेंबर्स हैं, सभी कॉरपोरेशंस, पुलिस, सभी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो जो हैं वो सभी उसके मेंबर हैं। और अभी उसकी स्टेट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई थी, और मीटिंग में सभी विभागों को उनके जो जो काम हैं उसको उन लोगों को बताया गया, और सबको कहा गया है कि इसको एमरजेंसी लेवल पे हम लोगों को डील करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है, इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर इसको अभी कंटेन नहीं किया गया और ये फैल गया अगर, तो उसके बाद उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक तो दिल्ली में एक कन्फर्म्ड केस है जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में है, मयूर विहार के रहने वाले हैं, जो कि वियना से दिल्ली आए थे, पहले इटली से बुडापेस्ट और फिर वियना से दिल्ली। उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनके, उन्होंने आने के बाद जिस जिस से मिले, जहाँ जहाँ गए, तो उनके 88 कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, और अब उन 88 कॉन्टैक्ट्स को आगे हम लोग कॉन्टैक्ट करके उनको चेक करने की, उनको स्क्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो जो तैयारियां की गई हैं उसमें एक तो ये कि एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं उनको RML रामल और लोहिया में रेफ़र कर दिया जा रहा है। अभी तक 1,16,589 पेशेंट पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे स्क्रीन किया जा चुका है। तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोग सभी होटल्स में और गेस्ट हाउसेस में, इन चार अफेक्टेड कंट्रीज से जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं उन सभी टूरिस्ट्स को कांटेक्ट करके ये उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे कॉरपोरेशंस। फिर एयरपोर्ट के ऊपर जो इन कंट्रीज से लोग आए उस टाइम तो सिम्टम्स नहीं मिले, लेकिन इसमें जैसा हम जानते हैं कि 14 दिन के बाद सिम्टम्स पैदा होते हैं, सो उन लोगों को फिर लगातार हम लोग निगरानी उनके ऊपर रखे हुए हैं। तो 5,769 पैसेंजर्स इन इन्फेक्टेड कंट्रीज से आए थे जो कि दिल्ली के थे पिछले कुछ दिनों में, उनमें से 4,445 पैसेंजर्स की जब चेकिंग की गई तो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं मिले। 1,324 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो अभी हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट पे जितने भी ऐसे पैसेंजर्स मिलते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते उनके ऊपर भी बाद में नजर रखी जा रही है कि अगले 14 दिन के अंदर कहीं उनमें सिम्टम्स पैदा, दोबारा पैदा, तो बाद में पैदा तो नहीं हो गए, और उन सारी लिस्ट्स को हम सर्विलेंस पे रख रहे हैं। रामन और लोहिया हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल, हम सब जानते हैं कि दो इसके लिए नोडल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमने अपने भी लगभग 19 सरकारी हॉस्पिटल्स और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि स्वाइन फ्लू के लिए तैयार थे, उनको उनके अंदर हमने कैपेसिटी डेवलप की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी हम लोग आइसोलेशन बेड्स और आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी हम लोग तैयार हैं पेशेंट्स को लेने के लिए। अभी तक 2 लैब्स हैं, एक एम्स की लैब है और एक NCDC की लैब है। 250-250 के सैंपल दोनों जगह डेली टेस्ट किए जा सकते हैं, तो फिलहाल तो ये सफिशिएंट है, लेकिन आज शाम से लेडी हार्डिंग में भी लैब चालू हो जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो LNJP के अंदर भी हम लैब चालू कर देंगे। हमारे पास N95 के सफिशिएंट मास्क हैं और सफिशिएंट किट्स हैं, और अभी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए, ताकि जनता
इसके बारे में जागरूक हो सके। अभी जो मीटिंग ली थी उसमें सभी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप सभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कीजिए, और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है, और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से डेंगू पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया था, इसी तरह से इस खतरनाक बीमारी पे भी हम सब लोग मिलके ज़रूर कंट्रोल पाएंगे। अरविंद जी, मास्क और सैनिटाइजर की बहुत कमी दिख रही है, जितने भी मेडिकल स्टोर्स पे जा रहे हैं तो उन पे कमी है, ऐसा ना हो उसकी ब्लैक मार्केट भी शुरू हो जाए या फिर कमी की वजह से लोगों को परेशानी होनी पड़े। अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ये कि कई कई मेडिकल स्टोर्स पे है ही नहीं। सरकार के पास तो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, लेकिन इसकी मैं चेक कराता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर इसकी कमी है तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकेंगे सरकार, जो भी उचित कदम है हम उठाएंगे। कई जगह ये भी आया है अमीन जी की जो बड़ी बॉटल है सैनिटाइजर्स की, उनको छोटी बॉटल में पैक कर करके बिना किसी मतलब उसमें जो होना चाहिए सारे स्पेसिफिकेशन उसके लेबलिंग के बगैर बेचा जा रहा है, इसको हम चेक कराते हैं प्राइवेट की दुकानों में। वो तो जो 21 थे उसकी डिटेल्स बता दीजिए। जो इटली से जो लोग आए थे वो सूर्या होटल में रुके थे, तो वहां पर हमने सूर्या होटल में जितने उनके कॉन्टैक्ट्स में आए वैसे 29 लोगों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको ऑलरेडी हमने होम आइसोलेशन में रख दिया है। और मेरे ख्याल 13 या 14 कमरे उसके ऑलरेडी सील्ड हैं, जिसको डीप क्लीनिंग करने के बाद ही किसी को दिया जाएगा। और यही स्टेप्स दोबारा वो ग्रैंड होटल में जाके रुके थे, यही स्टेप्स हम ग्रैंड होटल में भी ले रहे हैं, और अभी वो छावला आईटीबीपी कैंप में है, और छावला आईटीबीपी कैंप से उनको सफदरजंग में शिफ्ट करने की ऑलरेडी वो कर रही है ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे आर फाउंड पॉजिटिव। सर ये दिल्ली डबल अटैक से कैसे पार पाएगी? एक तो सर अभी दंगा वाला मामला हुआ, ये नया कोर्ट आओगी, और देयर आर मेनी पीपल इन दिस कैंप, सो व्हाट आर द एक्शंस यू टेकिंग टू प्रिवेंट? नहीं, वहां पे भी हम मेडिकल डॉक्टर्स को भेजेंगे और उनकी भी स्क्रीनिंग कराएंगे। प्रधानमंत्री ने होली मिलन तक को कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा हम होली मिलन, मैं भी होली नहीं मना रहा दोनों कारण से, जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए और दंगों में इतने लोगों की मौत हुई, इस वक्त जब सब लोग उस दुख के अंदर हैं जितने भी परिवार थे, और तो उसकी वजह से मैं खुद भी होली नहीं मना रहा, और मैं समझता हूँ हमारे सारे मंत्रीगण और MLA भी होली नहीं मनाएंगे। वो पीपी किट्स होती है वो सबको वो दी जाएगी, जो भी डॉक्टर्स इनसे इनको ट्रीट करेंगे। हमारे पास, सरकार के पास मास्क की कमी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है उसको एक बार हम एग्जामिन कराते हैं कि इसको कैसे डील किया जा सकता है, दोनों हैंड सैनिटाइजर्स भी और मास्क भी। मैं जनता से खास तौर से अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी क्राउडेड एरिया में या लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करें, और अपने हाथ जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली साबुन से पूरे दिन धोते रहें। इसमें यही पता चला है कि हाथ अगर एक बार ही आपने कर दिया, और फिर आँख नाक और मुंह इस पे अगर आपने टच कर दिया, तो ये तुरंत वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। अभी फिलहाल नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। अभी स्कूल्स में अवेयरनेस फैला रहे हैं हम लोग, पर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो अभी स्कूल्स को बंद करने की वो नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तीनों निगम के कमिश्नर्स भी मौजूद थे, और उन निगम के कमिश्नर्स को कोरोना वायरस रोकने के लिए जो जो स्टेप्स तुरंत उठाने की जरूरत है उन सबको वो SOP जारी कर दी गई है। थैंक यू।